आइए देखते हैं लॉस ऑफ एनर्जी आफ्टर कंबाइनिंग टू कंडक्टर। तो हमने संयोजन के बाद जो ऊर्जा निकाली वो कितना आया, हाफ सी वन स्क्वायर बी वन स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर बी टू स्क्वायर प्लस टू सी वन सी टू बी वन बी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू। अब आप निकालोगे एनर्जी लॉस, ठीक है, ऊर्जा हानि निकल गया, ऊर्जा हानि यानी आपका क्या निकल गया, एनर्जी लॉस। और एनर्जी लॉस कितना, संयोजन से पहले कितनी ऊर्जा थी और संयोजन के बाद कितनी ऊर्जा होगी। तो एनर्जी लॉस आपकी आ गई क्या, संयोजन से पहले की ऊर्जा, संयोजन से पहले की दोनों संधारित्रों पर संचित ऊर्जा माइनस संयोजन के बाद, संयोजन के बाद दोनों संधारित्रों पर संचित ऊर्जा यानी क्या हो गया, ये आपका हो गया यू वन माइनस कितना हो गया यू टू, ये आपका आ गया डेल्टा यू। और संयोजन से पहले ऊर्जा कितनी थी, हाफ सी वन बी वन स्क्वायर प्लस हाफ सी टू बी टू स्क्वायर माइनस कितना, ये हो गया एक बटे दो और यह हो गया सी वन बी वन स्क्वायर प्लस सी टू सी वन स्क्वायर बी वन स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर बी टू स्क्वायर प्लस हो गया टू सी वन सी टू बी वन बी टू अपान हो गया सी वन प्लस सी टू। यहाँ से आप क्या कर दो, बटे वन करा दो, ठीक है, बटे वन करा दिए तो हमारा एलसीएम आ गया सी वन प्लस आ गया सी टू, ये कितना हो गया, यह हो गया एक बटे दो। तो यहाँ से आप क्या कर दो, कामन निकाल लो, एक बटे दो आप कामन निकाल दिए तो यहाँ से बचा क्या, ये बचा सी वन भी वन स्क्वायर प्लस सी टू भी टू स्क्वायर इंटू क्या हो गया सी वन प्लस सी टू, ठीक है, इधर हो गया माइनस है कितना सी वन स्क्वायर बी वन स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर बी टू स्क्वायर प्लस टू सी वन सी टू बी वन बी टू हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो गया एक बटे दो, पहले सी वन का मल्टीप्लाई करा लो, क्या हो गया सी वन स्क्वायर बी वन स्क्वायर प्लस हो गया टू ये हो गया सी वन सी टू सी वन सी टू बी टू का स्क्वायर प्लस हो गया सी वन सी टू बी वन स्क्वायर हो गया ना बी वन का स्क्वायर प्लस हो गया सी टू का स्क्वायर और यह हो गया बी टू का स्क्वायर है, इधर हो गया माइनस आपका हो गया सी वन स्क्वायर बी वन स्क्वायर प्लस सी टू माइनस हो जाएगा हो जाएगा माइनस सी टू का स्क्वायर सी टू का स्क्वायर माइनस टू सी वन सी टू बी वन बी टू बटे कितना हो गया बी वन प्लस सी टू हो गया कट क्या गया सी वन स्क्वायर बी वन स्क्वायर तो सी वन स्क्वायर बी वन स्क्वायर सी टू स्क्वायर बी टू स्क्वायर कट गया, इधर क्या बच गया, इधर आपका बच गया एक बटे दो वन अपान टू, इधर बच गया सी वन सी टू बी टू का स्क्वायर प्लस बच गया सी वन सी टू बी वन का स्क्वायर, इधर हो गया माइनस टू सी वन सी टू बी वन बी टू अपान हो गया सी वन प्लस सी टू सेवन का सिर्फ इसमें भी सेवन का सिर्फ इसमें सेवन का सिर्फ इसमें भी एक बटे दो सेवन सी टू इधर आपका बच गया का स्क्वायर प्लस हो गया वन ईवन का स्क्वायर माइनस हो गया टू बी वन टू आप
वन हो गया प्लस टू, क्योंकि ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी हो गया, ए माइनस ये हो गया बी वन बी टू, इधर हो गया बी वन माइनस बी टू का होल स्क्वायर और अपान हो गया सिर्फ प्लस बी टू, ये आपका क्या आ गया एनर्जी आ गया, ये आपकी काम है एनर्जी बहुत आपकी आ गई एनर्जी लॉस आफ्टर कंबाइनिंग टू कंडक्टर इक्वल टू डेल्टा यू वन अपॉन टू सी वन सी टू डी वन माइनस डी टू का होल स्क्वायर अपॉन सी वन प्लस दोस्तों यहाँ पे हमने एनर्जी लॉस कैलकुलेट कर लिया है और एनर्जी लॉस हमारी आगे डेल्टा इक्वल टू वन अपॉन टू सी वन सी टू उस तक में बी वन माइनस बी टू का होल स्क्वायर अपॉन सी वन प्लस सी टू, ठीक है। अगला वीडियो लिंक हम लोग जो है देखेंगे, क्या देखेंगे, कैपेसिटर देखेंगे और कैपेसिटर क्या होता है, संधारित्र क्या होता है, संधारित्र एक ऐसी डिवाइस जिसके आकार में बिना परिवर्तन किए इस पर एनर्जी की पर्याप्त मात्रा आप आवेश की पर्याप्त मात्रा आप क्या कर सकते हो लोड कर सकते हो। तो हमारे अगले वीडियो लिंक को देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए, बहुत ही जल्दी मेरा इन टॉपिक से रिलेटेड जो लिंक जारी होगा। धन्यवाद।